अधिकृत बयान एक अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से आता है, ये अधिकार दिया जाता है। उनका क्या फैसला है, सबका क्या बार नीतीश कुमार की खज्जी उड़ जाएगी, पता लग जाएगा उनको इस बार जनता कहाँ फेंकेगी। शांति को गए बयान है। देखिए, इस तरीके के दावे अक्सर पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से किए जाते हैं। अंतोगतवा फैसला चुनाव में सिर्फ और सिर्फ जनता लेती है। इस बार भी विपक्ष ने कई दावे किए थे लोकसभा के चुनाव में कि खाता नहीं खुलेगा एनडीए का, जीरो पर आउट हो जाएंगे, तमाम तरीके की बातें कही गई थी। हकीकत में परिणाम क्या हुआ, हम लोग अधिकांश जीते सीटें हम लोग बिहार में जीतने का हम लोगों ने काम किया। मेरी पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो 5 की 5 सीटें हम लोगों ने जीती, जहां पर विपक्ष के द्वारा ये भी दावा किया जा रहा था कि हम हाजीपुर भी हम हारे। तो ऐसे में इस तरीके की बातें कही जाती हैं, बट अंतोगतवा जनता किसका साथ देती है। और एक बात स्पष्ट है कि जनता ने ये तय कर लिया है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार से ही बिहार का विकास हो सकता है। एक लंबा समय बिहार में ऐसा रहा है जहां पे विरोधाभास की सरकारें रही हैं, केंद्र में कोई और राज्य में कोई और। ऐसे में एक लंबे समय के बाद जब बिहार को डबल इंजन की सरकार मिली है, इस सरकार पर बिहार की जनता का विश्वास है। जहां केंद्र के चुनाव में लोकसभा के चुनाव में हम लोगों के पक्ष में बिहार की जनता ने मतदान करने का काम किया, जो कुछ सीटें भी हम लोग हारे हैं उसमें भी सबको कारण पता है, कहीं ना कहीं उसमें भी हम लोग अगर थोड़ी सी बेहतर तरीके से अगर हम ही लोग चुनाव लड़ते तो परिस्थितियों और बेहतर हो सकती थी। ऐसे में विधानसभा के चुनाव में भी बिहार की जनता ने मन बना लिया है, एनडीए की ही सरकार आएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ने जा रहा है और विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद बिहार में भी एनडीए की सरकार आएगी। विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठी है, क्या आरक्षण की सीमा कोई बढ़ाई जानी चाहिए? प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है भाई, ये मांग तो हम लोग की रही है। कौन सा ऐसा दल है जो कि बिहार से आता है और वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं करता हो या उस पर अपनी सहमति नहीं देता हो? हम खुद इसके पक्षधर हैं, पर अगर हम ये बोलें कि भैया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए तो हम प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? नहीं, कतई नहीं। हम लोग जिस सरकार के गठबंधन में है, एनडीए का हम लोग हिस्सा है, एनडीए का सबसे बड़ा घटक दल भारतीय जनता पार्टी है, जिनके नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसपे हम सबको विश्वास है। ये मांग अगर हम उनसे नहीं करेंगे तो किनसे करेंगे? हम लोग राजनीतिक दल होने के नाते ये भी मानते हैं कि ये नीति आयोग के अधीन ये विषय आता है, नीति आयोग के प्रावधानों के अनुसार। इससे पहले जब प्लानिंग कमीशन होता था उसमें फिर भी कई ऐसे रिलैक्सेशन थे जिसमें कई राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलता था। नए प्रावधानों के अनुसार जरूर इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज इसमें है, पर उसका भी मिलकर हम लोग समाधान ढूंढेंगे। जो जनता दल यूनाइटेड ने कहा है, ये मांग हम लोग की भी है कि बिहार को जल्द से जल्द विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अश्विनी चौबे ने कहा है कि बीजेपी के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाना चाहिए, जबकि सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के ही अगुवाई में लड़ा जाएगा। अश्विनी चौबे के इस बयान को आप कैसे लेते हैं? देखिए, अब हर एक व्यक्ति विशेष के बयान पे टिप्पणी करते रहे, अधिकृत बयान किसका होता है? जो पार्टी के अध्यक्ष होते हैं। अधिकृत बयान एक अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से आता है। पार्टी के कई नेता होते हैं जो अपने अपने पार्टी के प्रति आस्था रखकर इस तरीके के बयान देते हैं और उसका भी मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि वो उनकी अपनी व्यक्तिगत भावना है। पर अंतोगतवा जब आप एक गठबंधन का हिस्सा होते हैं, गठबंधन में दल के जिस नेता को या जिस अध्यक्ष को अधिकृत ये अधिकार दिया जाता है, उनका क्या फैसला है या उनका क्या बयान है वो ज्यादा मायने रखता है।